दोस्तों जापान की दो सबसे ज्यादा फेमस कंपनी सोनी और यामाहा, यह दोनों ही कंपनी साथ में कोलैब कर दुनिया भर के बाजारों में एक नई ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही हैं, जिनका नाम है SC1 सोशलेबल इलेक्ट्रिक कार। दोस्तों यह जो गाड़ी होने वाली है, यह चलने के लिए किसी प्रकार की कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजाइन वाइज यह दिखने में काफी बॉक्सी कार लगती है और इस गाड़ी को ऑटोनोमस ड्राइव सिस्टम पर बनाया गया है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे सोनी और यामाहा की इस SC1 इलेक्ट्रिक कार के बारे में, इसमें क्या क्या खासियत और क्या अलग है इस गाड़ी में जो कि दुनिया किसी गाड़ी में नहीं देखने को मिलता, और क्यों यह टेस्ला के लिए भी एक बहुत कड़ी कॉम्पिटिशन आने वाले समय में साबित हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले बात कर ले सोनी और यामाहा की इस SC1 के बारे में, तो सबसे पहला इसका हाईलाइट और पहला हाईलाइट यही है कि ये गाड़ी बिना किसी ड्राइवर के चलती है। यहाँ पर ये गाड़ी जो कंट्रोल इसका सिस्टम है पूरी तरह से सेंसर्स पे बेस है, जहाँ पर इस गाड़ी के पूरे दाएं बाएं देखा जाए तो 20 से 25 कैमरास को इंस्टॉल किए गए हैं, जहाँ पर सेंसर्स लगाए गए हैं और लाइडर्स लगाए गए हैं जिनकी वजह से यह गाड़ियां चीजों को डिटेक्ट कर सकती हैं। इतना ही नहीं, फ्रंट बैक और हर तरफ इसमें थर्मल कैमरास को इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी अल्ट्रा सेफ हो जाती है और ये जमीन पे चल रही हर एक चीजों को नजर में रखकर चलती है। जैसे कोई इंसान आ जाता है तो इसके सेंसर्स को मालूम चल जाएगा क्योंकि सामने आ चुका है, और स्कैनर द्वारा स्कैन कर ये सभी चीजें चल सकती है। गाड़ी के अंदर और बात करें बाहर, तो सोनी का यहाँ पर बिल्कुल नया टच स्क्रीन लगाया गया है, या फिर बाहर की तरफ से देखें तो एक LCD डिस्प्ले लगाया गया है जिसमें प्रचार भी हो सकता है। दरअसल ये प्रचार वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये विदेशों में बहुत पॉपुलर है, इंडिया में नहीं है, लेकिन हाँ इस विदेशों के लिए डिजाइन किया गया है प्रचार कॉन्सेप्ट। अंदर की तरफ आप देखें एक TV लगा हुआ है। गाड़ी में कुल 5 लोग के लिए बैठने के लिए डिजाइन की गई है। गाड़ी का टॉप रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और इस गाड़ी को चाहेंगे तो आप रिमोट कंट्रोल के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि एक खिलौना होता है उस प्रकार से भी। इस गाड़ी में लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और DC इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है। हालांकि इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी की अभी तक स्पेक्स नहीं रिवील की गई है कि किस प्रकार की मोटर वगैरह है। फिर भी यहाँ पे रेंज की बात करूँ तो करीबन 200 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज ये गाड़ी चल सकती है। कंपनी अभी ऐसे ही इसे प्रोजेक्ट के तौर पर काम कर रही है और आने वाले 2023 के लास्ट तक इसे जापान में सबसे पहले बैच में लॉन्च किया जाएगा एज अ एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट, जहाँ पर लोगों से इसका रिव्यू जाना जाएगा। और कंपनी का प्लान है कि 2025 तक इसे फुली ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक कार को दुनिया भर में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो क्या ये गाड़ी टेस्ला को एक बड़ी टक्कर दे सकती है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी बात ये होने वाली है कि इसकी कीमत ज्यादा नहीं होने वाली है, टेस्ला की जो गाड़ियां होती हैं उनके आधे रेट पे ये गाड़ी आ सकती है। तो क्या सोचते हैं आप सोनी यामाहा की EC1 इलेक्ट्रिक कार के बारे में, SC1 इलेक्ट्रिक कार के बारे में, बताएं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल EV वर्ल्ड को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी और खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।